नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 22 अगस्त 2023, समय सुबह के 9:37 हो रहा है, और प्री ओपन सेशन में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी 23 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 123 पॉइंट पॉजिटिव हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट आज देखने को मिल सकता है, लेकिन रजिस्टेंस एरिया अभी भी वैलिड है 44,200 के आसपास वाला, जो आपको पता है 44,200 के 125 और 225, ये दो ऐसे रेंज है जहां पर से ये रिजेक्शन ले लेता है। पिछले कल भी देखा जाए तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 44,113 के पास में घूम गया, और आज उसके ऊपर ओपन हो रहा है। यानी एक चीज तो ये है कि वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन। तो एक बार प्रीवियस हाई का सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन चूंकि अभी भी कमजोरी है सेल ऑन राइज वाले चीजों पे चल रहा है मार्केट, तो हो सकता है एक बार रिजेक्शन मिल जाए, वापस से 44,000 को क्लेम कर ले। अगर ये 44,125 के ऊपर ही सस्टेन कर जाए तो 44,200 और 225 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो 44,300 से 400 के लेवल आपको देखने को बनेंगे, ये ध्यान रखना। और 44,200 और 250 के पास में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, सेल देखने को मिल सकता है। इसी तरह निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, ऊपर ज्यादा तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाई के ऊपर में के पास में लगभग 427 के आसपास में कल गया था, और ये 417 के आसपास में ओपन हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं क्लोजिंग से 23 पॉइंट ऊपर है। तो एक बार 425-30 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 450 से 500 की तरफ जा सकता है। नीचे अगर ये गिरता है 350 के नीचे तो थोड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो आज वेट एंड वॉच करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि 20-25 पॉइंट में निफ्टी या 100-150 पॉइंट में 125 में बैंक निफ्टी, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, आराम से करेंगे। अगर हुआ तो किया जाएगा, नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, एक आधी रेस्ट कर लिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टॉक्स मूवमेंट देखा जाए, स्टॉक स्पेसिफिक तो अडानी में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है, अडानी के सारे सेक्टर में स्टॉक में, और मेटल सेक्टर में आज भी थोड़ा मूवमेंट है। बैंकिंग में कोटक बैंक काम कर रहा है, SBI लाइफ भी ठीक ठाक है, UPL भी ठीक है। और गेम लूजर की बात किया जाए तो लूजर में देखिए जियो फाइनेंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, टाटा कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर सेक्टर में थोड़ा सा FMCG में डाउनफॉल है, ऑटो सेक्टर में डाउनफॉल मिल सकता है, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग पर दोनों ही जगह फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलेंगे, टेंशन की बात नहीं है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। मार्केट ओपन हो गया दोस्तों, समय 9:15:32 हो रहा है, और जैसा कि कहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है ऊपर से थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर, तो देखिए सेम कंडीशन से ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उसी जगह से रिजेक्शन ले रहा है ना। तो अब यही इम्पोर्टेंट लेवल है, यही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर अगर टिकता है तो मूवमेंट आएगा, अदरवाइज फिर से 44,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है। जो इसका क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए, कल का क्लोजिंग था 44,002, वही है वही राउंड नंबर का लेवल, और हाई है 44,113 से 14। तो ये दो ही एरिया है जिसके ऊपर सस्टेन करने पर ही तेजी होगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलेंगे। वापस से देखिए ये थोड़ा सा मूवमेंट में आ तो रहा है, अभी आप देखिए तो 44,100 के आसपास फिर से जा रहा है, और इसके ऊपर निकलता है तो एक कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, बस इसका ध्यान रखे चले। तो जैसा कि दोस्तों बैंक निफ्टी देखिए सस्टेन करता हुआ नजर तो आ रहा है ऊपर में ही, लेकिन कंफ्यूजन में है अभी भी। तो मैं क्या करूंगा कि अपने पोजीशन को, मैं हमेशा आपको पता है ये कि हेज करके चलना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा पोजीशन को हेज कर लूंगा। देखिए हेजिंग के लिए क्या करना होगा कि थोड़ा नजदीक का भी ले सकता हूँ, 43,900 का भी ले सकता हूँ पुट ऑप्शन, है ना। मेरे पास एक कॉल है 44,200 का एक कॉल लिया हुआ है, कॉल है, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि यहाँ से मुझे कॉल में एंट्री करना है, पोजीशन बढ़ाना है या पुट लेना है। तो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि मैं
कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान फोकस करूं, हालांकि नीचे आता है तो यहां तक गिरने के चांस बना सकते, तो फिलहाल वेट एंड वॉच भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं पोजीशन को ऐड कर दूं यहां पर तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वेट कर लेते हैं। और इसी को बचाने के लिए आप चाहें तो 43800 का एक पुट, जिसको कहते हैं कि पोजीशन हेज कर लिया, तो ये पोजीशन हेज करके भी चल सकते, ठीक है, पोजीशन को हेज करके चल सकते, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर पोजीशन हेज कर देते हैं तो फिर मैं चैन से सो सकता हूँ ना, फिर तो मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। और जिस तरफ का मूवमेंट देखूंगा उसके अपोजिट वाला मूवमेंट को लेवल को काट दूंगा, है ना, अगर नीचे आता हुआ दिखेगा तो कॉल काट दूंगा, ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो पुट काट दूंगा। यहाँ पे फिलहाल एक कन्फ्यूजन का जगह है, इस कन्फ्यूजन वाले जगह पर मैंने ऑप्शन को हेज कर दिया बचाने के लिए। फिलहाल स्टॉक्स पर देखते हैं, और जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया है अभी वो लेवल आया ही नहीं है, तो आया ही नहीं है तो हम अभी ट्रेड बनेगा ही, तो वेट एंड वॉच कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो पोजीशन हेज में था दोस्तों, उसमें देखिए बैंक के कॉल में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है ढंग का, और यहाँ पे जो पुट लिया जाहिर सी बात है वो नीचे आ रहा होगा, तो मैं पुट को काट दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 44125-30 के लेवल को दोबारा से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। आज का हाई लगा रखा है 44150-51 का लगभग, उसके ऊपर जाता है तो तेजी बनेगा, और मुझे लग रहा है कि इसमें अब बने रहने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से मैं काट के जो है 44200 के ना थोड़ा दूर तक करते 44300 के आसपास का एक कॉल ऑप्शन, 44300 का एक कॉल ऑप्शन पे मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर लिया एक एंट्री, ठीक है, थोड़ा ऊपर के भाव पे लिया है, दिया है मतलब मौका मिला। और स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो रहेगा, यानी कि 76 रुपये का 75 रुपये का आप एक स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं। और इसी तरह से जो 44200 वाला है हमारा लेवल, उसमें 530-532 का चल रही है, थोड़ा नीचे कल मार्केट बंद होते वक्त मैंने कर लिया था इसको वापस से। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से ऊपर जा रहा है, तो ये भी वाला भी मेरा पोजीशन जा ही रहा होगा 44300 वाला, ये भी ठीक है। और आप लोगों को भी मैंने पोजीशन दिया हुआ है बैंक निफ्टी का 43900 का कॉल ऑप्शन, इसने हाई लगा दिया 297-290 के ऊपर खरीदना था, जाहिर सी बात है ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है। और एक कॉल ऑप्शन दिया है 44100 का, जिसका लेवल आया नहीं, हालांकि मॉडिफाई करके दिया जा सकता, लेकिन चलिए रहने देते हैं, क्योंकि जब ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तभी एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो बैंक निफ्टी 43900 के कॉल में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो है टेक महिंद्रा और जुबिलियन फूड, जुबिलियन फूड और टेक महिंद्रा। चलिए टेक महिंद्रा सेलिंग साइड में है, आईटी में थोड़ा सा महिंद्रा गड़बड़ लग रहा है, 1213 इसी के नीचे सेलिंग है, ये ऑलरेडी 1212 का लो मारा है। M&M में तेजी है, ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है, एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, ओके बढ़िया है बढ़िया है, चल वेट करते हैं। तो ऐसे देखा जाए बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज में, खास कोई मूवमेंट नहीं देखी, पहली कैंडल के ही रेंज में वो ऊपर में हाई लगाया है, और यहाँ जो है पहली कैंडल का लो, तो उसी के बॉक्स में ये फंस गया है ना। तो इस दोनों में से किसी एक तरफ अगर निकलता है तो आपको एक ब्रेकआउट मूवमेंट बनेगा, और ऑलरेडी एक पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। एक कॉल लिया 44300, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही एक 44200 का कॉल है, उसमें मुझे 523 रुपये का प्रॉफिट है, वेट करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, अभी समय हो रहा है 9:34:43 और जो मैंने आपको कॉल दिया वो इसने हाई लगा दिया 302 रुपये का, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो एक मूवमेंट आपको और भी तगड़ा मूवमेंट बनेगा। 44155 का हाई है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाए तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार मूवमेंट बनेगा। चलिए वेट एंड वॉच और कुछ मिनट, इधर 621-620 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों।
कॉल में, और इधर चल रहा है 48 का प्रॉफिट 44,300 में, 44,200 में ज्यादा है, 44,300 में एक है, तो दोनों में है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर कोशिश कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन मूवमेंट है, पॉजिटिव साइड ही मूवमेंट है। देखना पड़ेगा क्या इस 44,140 का जो हर्डल है और 44,150 से 55 का जो हर्डल है, ये हर्डल अगर ब्रेकआउट हो जाए तो आपको इस जगह से एक अच्छा मूवमेंट बनता है। अगर ये काटता है तो फिर ऊपर 44,200 तक के एरिया को, इस एरिया तक जाने का चांस बना सकता है। चलिए वेट एंड वॉच करेंगे। समय दोस्तों 11:06:57। देखिए अभी भी बैंक निफ्टी एक ही रेंज में फंस गया है, और उसके वजह से आप देख रहे हैं कि जो 44,300 का कॉल है उसमें 200 का चल रहा है लॉस, और 44,200 का जो इसमें कॉल है इसमें 300 का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल साइडवेज मार्केट है, तो मैं दोनों ही पोजीशन यहां से कट करूंगा और इसको बंद करूंगा। एंड ऑफ डे मतलब 3:15 बजे के आसपास देखेंगे कि अगर कुछ पोजीशन दिखता है तो मैं पोजीशन को अगले दिन के लिए हेज करके ले लूंगा, लेकिन अभी पोजीशन कट कर देता हूं क्योंकि मार्केट है एक रेंज में फंसा हुआ है ना। अब इस रेंज में फंसता है तो क्या होगा, प्रीमियम खत्म होने लग जाएगा, तो यहां पर से मैं बंद कर देता हूं सारे पोजीशन काट करके, ठीक है ना। चल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।